हेलो फ्रेंड्स, और आज हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र में 15वीं श्रृंखला। और इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, यूपीएचईएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, किस प्रकार से। राज्य का निर्वाचन आयुक्त से यहाँ तात्पर्य है राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा टी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान। क्योंकि आप देखते हैं सेंट्रल लेवल पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रक्रिया के समान पद से हटाया जाता है। उसी प्रकार राज्यों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान जो है हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 4 राज्यों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर नहीं हटाया जा सकता, यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो हटाने की प्रक्रिया है वही जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि ये जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है, बहुत ही आसान है। 356 आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं, और 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 360 वित्तीय आपात से, और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने सही आंसर क्या देखा, ए का सी है, फिर बी का सॉरी फ्रेंड्स ए का डी है, बी का जो है सी है, यानी डी सी और बी ए, डी सी बी ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, सही आंसर है ए, डी सी बी ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही कर सकता है, यह व्यवस्था कब जोड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, भले आसान है, सही आंसर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि इसके पहले जो है इस शक्ति का जो आपातकाल की शक्ति है इसका दुरुपयोग किया गया श्रीमती जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उनके काल में, तो इसलिए बाद में जब उनकी सरकार हटी तो जो नई सरकार आई उसने उनकी सारी गलतियों को त्रुटियों को सुधारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल जो है या आर्थिक आपातकाल नहीं लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार का, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार की। फिर से अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। तो इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आंतरिक अशांति ये जो शब्द है इसे तो हटा दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह हो या ऐसी आशंका हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पे जो है 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है। तो सही आंसर हो जाएगा ये, भारत के राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। इंपॉर्टेंट है और आसान है, बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं। जनजातियों की बात कर रहा है तो उपरोक्त में से जो है कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों को जो है 47 सीटें प्राप्त हैं लोकसभा में, और जबकि जो SC हैं अनुसूचित जातियाँ हैं उनको 84 सीटें प्राप्त हैं, और ST जो है उनको 47 अर्थात 47 सीटें प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में सदन
दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा भी, निर्वाचन आयोग का परामर्श प्राप्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सदन के अध्यक्ष का, जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, परिसमन आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और राष्ट्रपति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के जजों की भांति जो है उसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सुकुमार सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। फ्रेंड्स, जनरली हमारे देश में जो अधिकारी हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आप देखते हैं, किंतु जिनका यदि 6 वर्ष है तो उनका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैसे तो वो विधिक अधिकार है, इसको संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं, तो सी और डी दोनों ही आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन जो है एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी जो है सी सही आंसर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, भारत में जो है कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन्हें अधिकारी को सौंप देना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा अभी 30 दिन के अंदर जो है ये सभी आंकड़े सौंप देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, आसान क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है वो अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 317, 315 से 323 तक जो है यूपीएससी के जो है विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है संविधान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान जो है वो कौन होता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, एक अध्यक्ष होता है वही यूपीएससी का जो है प्रधान होता है, और वर्तमान में जो है प्रदीप कुमार जोशी हैं और नए अभी नियुक्त होने वाले हैं क्योंकि इनका कार्यकाल प्रदीप कुमार जोशी का 4 अप्रैल 2022 तक ही है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ये, 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भी सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्ष हो या सदस्य हो। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित जो है कितने सदस्य होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 11 सदस्य होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का शर्तें निर्धारित होती हैं किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। और फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखेंगे, जो अगर पूछे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें जो है कौन निर्धारित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और अखिल भारतीय सेवाओं का पूछे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी जो है काम करती हैं, और इसके अंतर्गत जो है IAS, IFS और IPS 3 प्रकार की सेवाएँ आती हैं, और जबकि जो सेंट्रल सेवाएँ हैं ये जो है ये मुख्यतः केंद्र में ही इसके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, और ये वन सेवा सूचना इस तरह की सेवाओं में इनकी नियुक्ति होती है। अगला जो कथन है कह रहा है एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका जो सही है आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है एक प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा जो है इसकी शुरुआत कर सकती है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अगला जो क्वेश्चन है ये 2021-22 में भी पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इनको सुमेलित करना है। तो हम सीधे सीधे देख लेते हैं, आप चूंकि अगर प्रिपरेशन में होंगे तो जानते भी होंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मसूरी में है। और पुलिस सेवा IPS का कहाँ है? तो ये माउंट आबू में है। भारतीय रेल सेवा ये 2021-22 में पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाले एग्जाम में, ये जो है बड़ौदा में है, पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है इस प्रकार करके, PGT में भी इससे क्वेश्चन आया था। और कह रहे आयकर सेवा, तो आयकर सेवा नागपुर में है, ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे एक बार सुमेलन देख भी लेंगे। प्रशासनिक सेवा कहाँ है? मसूरी में है। आईपीएस यानी पुलिस सेवा कहाँ है? माउंट आबू में है। रेल सेवा कहाँ है? बड़ौदा में। और आयकर सेवा जो है ये है आपका नागपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा डी, कोठारी प्रतिवेदन में जो है ऐसी जो है अनुशंसा की गई थी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हम जरूर देख लेते हैं। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग जो है स्थापित किया गया। इसके तहत 1919 के तहत कब स्थापित किया गया? 1926 में। दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा इसे संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया और अनुच्छेद 315 में जो है संघ राज्यों और का जो है राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको कि आप UGC कहते हैं, इनका गठन किस प्रकार से हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग आप देखते हैं कि अनुच्छेद संविधान में इसका वर्णन है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान द्वारा। और UGC जो अधिनियम है 1956 में संसद ने जो है एक अधिनियम द्वारा इसको बनाया है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये तो सही है। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो के लिए होती है, ये भी सही है। वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ये जो है कथन सही नहीं है। वे निष्पक्ष होते हैं, तो ये पता ही आपको, निष्पक्ष होते हैं, सही आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी कर सकते हैं। न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, ये कथन तो सही है। फिर कह रहे हैं, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा जो धन विधेयक पारित करती है, उसको जो है राष्ट्रपति आरक्षित कर सकते हैं उस पर अपना कोई निर्णय देने के लिए, वो अब इस अधिकार से वंचित नहीं होती है। हाँ, राष्ट्रपति जो है उस पर जो है उसको आरक्षित कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी उस पर कुछ सीमाएं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।